नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में बीती देर रात खूनी संघर्ष होने की सनसनीखेज खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा कॉलोनी में आपसी विवाद के चलते देर रात करीब 10 बजे दो गुटों में खूब पत्थरबाजी, तलवारें और गंडासी चली। ये खूनी संघर्ष करीब 15 से 20 मिनट तक चला। हमले में करीब 7 लोग जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजी के कारण 10 से 12 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। आईटी पार्क के एसएचओ शादीलाल शर्मा ने कहा है कि वीडियो के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 युवकों को राउंड अप किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में डीएसपी ईस्ट गुरमुख सिंह का कहना है कि जो भी इस हमले में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल और अमित पंडित की रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन आई थी कि दो परिवारों के बीच झगड़ा होया, पानी रंजसी उन्हां दी, उसके कारण दोनों ने आप पथराव भी किया। कुछ बंदे जो इंजर्ड हुए हैं, अलग अलग हस्पतालों से बत्ती जिते 16 हॉस्पिटल दाखिल हैं। एसएचओ तो हूँ ड्यूटी लगाती है, वेरीफाई कर रहा है कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई करांगे, एफआईआर दर्ज करके बंदे सारे अरेस्ट करेंगे।